अब देखिए आपका नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 19, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। ऐसे वर्ड्स जो डिस्क्राइब करते हैं उन्हें हम डिस्क्राइबिंग वर्ड्स बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दिस बॉय इज फैट, ये जो लड़का है ये मोटा है। दिस बॉय इज थिन, ये जो लड़का है ये पतला है। तो यहाँ पर दो लड़कों की बात हो रही है, लेकिन अगर हमें उन्हें डिस्क्राइब करना है तो हम कैसे कर रहे हैं? उनके बॉडी शेप्स के अकॉर्डिंग। जो फैट है उसके लिए हमने फैट वर्ड यूज किया, जो थिन है उसके लिए थिन वर्ड यूज किया। ऐसे ही और एग्जाम्पल्स देखिए, दिस बॉल इज बिग, ये बॉल बड़ी है। दिस बॉल इज स्मॉल, ये बॉल छोटी है। तो ये जो वर्ड्स हैं, फैट, थिन, स्मॉल, बिग, ये सभी वर्ड्स होते हैं डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। ऐसे ही और एग्जाम्पल्स देखिए इन वर्ड्स के, दिस टी इज हॉट, दिस आइसक्रीम इज कोल्ड, दिस वुमेन इज ओल्ड, दिस वुमेन इज यंग। तो ये कुछ वर्ड्स थे जो डिस्क्राइब करते हैं किसी भी नाउन को। अब देखिए वर्क टू डू, मेक सेंटेंसेस, आपको यहां पर सेंटेंसेस बनाने हैं। इज दिस एलिफेंट बिग और स्मॉल, ये जो एलिफेंट है ये बड़ा है या छोटा है? तो आपको सेंटेंस बनाना है। आप कैसे बनाएंगे? दिस एलिफेंट इज बिग, ये एलिफेंट जो है ये बड़ा है। ऐसे ही अब नेक्स्ट आपको बनाना है, क्या है वो? इज दिस बुक बिग और स्मॉल, ये जो बुक है ये बड़ी है या छोटी है? तो यहाँ पर आप लिखेंगे दिस बुक इज स्मॉल, इस तरीके से आप इसे लिखेंगे। इसी तरीके से बाकी जो दोनों दिए हैं उन्हें आप अपने आप कंप्लीट करेंगे। तो आप यहाँ पर उन चीजों को डिस्क्राइब करते हुए कोल्ड या हॉट जो भी होगा वो लिखेंगे आप। अगर टी है तो वो कोल्ड है, हॉट है वो आप अपने आप लिखेंगे। तो डिस्क्राइबिंग वर्ड्स बेसिकली आपको लिखकर सेंटेंसेस कंप्लीट करने हैं।